गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स अ वीडियो ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट फॉर क्लास 7th एंड टॉपिक ऑफ टुडे इज हाउ वी क्रिएट फार्मूला इन एक्सेल। ओके, रूल्स टू क्रिएट अ फार्मूला, कौन कौन से रूल्स होते हैं अगर फार्मूला में क्रिएट करना है एक्सेल में। ओके, द फॉलोइंग आर द रूल्स टू क्रिएट अ फार्मूला। फर्स्ट रूल ऑफ फार्मूला, फार्मूला मस्ट बिगिन विद एन इक्वल सिंबल। मीन्स सपोज इफ यू वॉन्ट क्रिएट एनी फार्मूला इन एक्सेल, फर्स्टली पुट द इक्वल साइन, आफ्टर दैट सेकेंड वन इज फार्मूला आर नॉट केस सेंसिटिव। मीन्स द एक्सप्रेशन सी इक्वल टू सी प्लस वन प्लस सी टू इज सेम एज सी वन एंड सी टू। मीन्स फॉर्मूला इज नॉट अ केस सेंसिटिव। व्हाट द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव, मीन्स सपोज यू राइट एनी फार्मूला लाइक दिस फॉर्म वेयर सी इज कैपिटल एंड बट इन सेकेंड फॉर्म सी इज स्मॉल, देर आर नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम बिकॉज फार्मूला इज नॉट एन केस सेंसिटिव। मतलब आप स्मॉल लेटर में भी राइट करते हैं या फिर उसको कैपिटल लेटर में राइट करते हैं, that is doesn't matter. Okay, next one is third, formula can contain values or cell reference and operators. जो formula var होता है हमारा, sorry formula जो होता है वो values को contain कर सकता है, values like 1 and 2 like 3 and cell reference, and the last video I told to you what the cell reference. Okay, and operators are plus minus division subtraction, these are the operators which are performed in the formula. Okay students, next one is formula is calculated left to right with two operator like this and this share same type of ranking. formula jo calculation hoti hai wo kahan se start hoti hai, left to right, aapki left se start hogi aur right ko start hogi. if in your formula two operator are used, multiply and division, then in this on that case multiply and division have same ranking. Means जो पहले आएगा उसको वो परफॉर्म करेगा, doesn't matter it's a divideation and multiplication. Okay students, you should use cell reference instead of direct values. Cell reference ensure the accuracy of the calculation. Means आप cell reference use करें, जो जहाँ पे जो value put है उसका cell reference क्या है वो use करें as compared to उस वैल्यू को, दैट वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा और एक्यूरेट वैल्यू देगा. सेम वैलिड एग्जाम्पल ऑफ फार्मूला आर एज फॉलो, आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ऐसे भी राइट कर सकते हैं और ऐसे भी राइट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज एंटरिंग अ फार्मूला. अगर एक फार्मूला हमें एंटर करना है इन एक्सेल वर्कशीट, तो हाउ वी कैन एंटर दैट फार्मूला इन एक्सेल, इन दिस topic we will see. A formula is entered either in the formula bar or in a cell to calculate the value. A formula bar में भी इसको एक formula bar होता है एक्सेल शीट में, जब हमारा ऊपर एक formula bar represent होता है वहाँ पर भी हम type कर सकते हैं, और cell reference पर भी आप उस चीज़ को type कर सकते हैं. जैसे like मैंने यहाँ पर क्या किया, एक equal का sign लगाया कि formula rules होता है, फिर दो numbers को मैंने add कर दिया, ठीक है, उसका जो result आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है. तो यहाँ पे भी हम फार्मूला को राइट कर सकते हैं, और आपको एक एक्सेल शीट में अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फार्मूला बार ऊपर होता है, ठीक है, वहाँ पे भी आप वैल्यू उस फार्मूला को पुट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडे.